2018 में एक मूवी आई थी गार्बेज करके, अभी आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। और जिस तरीके से उन्होंने दिखाया है सनातन हिंदू धर्म, आप कहोगे कि गार्बेज नाम इसका बिल्कुल सही है। एंड कुछ लोग इस चीज़ की पैरवी कर रहे हैं कि अब क्या गलत हो गया, तुम्हारे बाबा लोग पकड़े तो जाते हैं तो उस पर मूवी बन गई तो कौन सा भूचाल आ गया। लेकिन यहाँ पर मुद्दा क्या है मैं आपको कंप्लीटली बता देता हूँ। मूवी के जो अंतर है, वहाँ पर एक शिष्य को नंगा खड़ा करके बाबा उपचार बताते हैं किस चीज़ का, जो भी उसकी परेशानी है, और उसमें गौमूत्र मिलाने को कहते हैं, उसमें कुछ और चीज़ें मिलाने को कहते हैं, और मिलाने को कहते हैं मैं खुद। और जिस तरीके से ये बताया गया है सारा, ये एक ब्लोजॉब के प्रोसेस के दौरान बताया जा रहा है जहाँ पर शिष्य कर रहा है ये काम। और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक स्टीरियोटाइप बना दिया गया है अपने, एक मूवी में ऐसा दिखाया, दो में ऐसा दिखाया, तीन में ऐसा दिखाया, दस में ऐसा दिखाया, अब तो बस ये धारणा ही बना ली गई है। अब इनसे ये पूछे कि भैया अगर ये सेम चीज़ किसी मस्जिद में, किसी मजार में ऐसे दिखाई जाती, उनके ऊपर क्या जाता, तो क्या ये मूवी चलने देते लोग, क्यों नहीं होता ऐसा? और आप मेरे को बता दो कि क्या कोई मौलवी ऐसे कामों में नहीं फंसा है? बिल्कुल, लेकिन मजाक बनाया जाता है तो बस इन्हीं कुछ लोगों का। और फिर लोग पढ़ाते हैं पाठ सेकुलरिज्म का, और लोग फिर बोलते हैं कि यार लोगों में ना घृणा फैली हुई है। भाई घृणा जो शब्द है ये उत्पन्न किया गया है एक दूसरे की बुराइयों के साथ, एक दूसरे की कमियों को बार बार उन्हीं चीज़ों पर टॉर्चर करके। वहीं पर कुछ लोग बोलते हैं कि तुम हर बार जो आतंकवाद है उसको मुसलमानों से जोड़ देते हो, कि भाई हिंदुस्तान ने जितना भी आतंकवाद को देखा है, जो हमले हुए हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान से हुए हैं, वो सारे के सारे मुस्लिम थे, तो हर मूवी में मुस्लिम दिखाए जाएंगे। तो उसमें अगर आपको ऐसी परेशानी है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं किया जा सकता, दैट थिंग इज कम्प्लीटली रियल। तो आप उस चीज़ का बदला लेने के लिए इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हिंदू को, तो वो थोड़ा सा गलत है। बाकी चिंता, मैं खुद भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मैं यहाँ पर हूँ नहीं। आपकी क्या राय है, मेरे साथ है, मेरे खिलाफ है, वो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे जल्द। बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।